ऑप्टिकल ट्यूटोरियल्स। आज मैं दिखाऊंगा आपको लैपटॉप को ओवरहीटिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इसे करने के लिए पहले आप लैपटॉप का अंदर का फैन क्लीन कर दीजिए। उसके बाद आप ईबे पे या अमेजोन पे कूलिंग पैड कर लीजिए। कूलिंग पैड 200 में अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी पे अवेलेबल है ना अमेजोन पे, इसलिए वहाँ पर आप फैन कर लीजिए, खरीद लीजिए कूलिंग पैड। उसके बाद आप ये यहाँ ओएस में भी कुछ चेंजेस करके आपका हीटिंग कम कर सकते हैं। पहले आपको सेटिंग्स चेंज करना होगा। यहाँ जाके आप मोड पावर सेटिंग्स पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ बैटरी के सिंबल के ऊपर मोड पावर सेटिंग्स, और यहाँ क्लिक करके आप ज्यादा लोग यहाँ बैलेंस रिकमेंडेड यही यूज करते हैं, आप यही यूज करिए। पावर सेविंग मोड से हमारा हीटिंग कम होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव्स एनर्जी बाय रिड्यूसिंग द कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस वेयर पॉसिबल, एक वेयर पॉसिबल कई बार भी अगर पॉसिबल होगा तो ये रिड्यूस करेगा और आपका हीटिंग भी कम होगा। यही सिलेक्ट करिए पावर प्लान पावर सेविंग, और यहाँ पर यहाँ से ये चेक करके यहाँ चेंज पावर सेटिंग्स पे क्लिक करिए। क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब डिफॉल्ट में रहने दीजिए, रहने दीजिए से सब। अब यहाँ पर आप चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स पे जाइए। जाकर यहाँ पर ये सब डिफॉल्ट में रहने दीजिए ऊपर वाला सारा। यहाँ पर आप प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट पे जाइए, यहाँ पर एक्सपेंड करिए, और फिर आप मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट 5% ही रहने दीजिए, डिफॉल्ट में वैसे ही रहने दीजिए। और सिस्टम कूलिंग पॉलिसी, यहाँ पर ऑन बैटरी आप अगर एक कूलिंग पॉलिसी क्या होता है आपको मालूम है, नए होगा ज्यादा लोगों को। ये होता है कि अगर आप गेम्स खेलना चाहते हैं तो ऑन बैटरी गेम्स, बहुत ही ग्राफिकल गेम्स खेलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से रखना होगा। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा चाहिए ऑन बैटरी पे, आप पे एक्टिव रखिए। एक्टिव करने से कूलिंग पॉलिसी थोड़ा कूलिंग पॉलिसी एक्टिवेट होगा। एक कूलिंग पॉलिसी क्या है, आप एक्टिव रखे तो पहले प्रोसेसर ऑन करके फिर फैन ऑन करता है। अगर आप पैसिव पे रखे तो पहले फैन ऑन करके फिर प्रोसेसर ऑन होता है, इसलिए उस टाइम में ये बहुत ही गर्म हो जाता है लैपटॉप, बहुत ही हीट हो जाता है। इसलिए आप अगर आप गेम्स और इंटरनेट गेम्स खेलना चाहते हैं तो ऑन बैटरी एक्टिवेट रखिए। प्लग इन, सारे लोग प्लग इन पे आप चार्जिंग रख के ऑफ ही कर देते हैं लैपटॉप। अगर प्लग इन पे भी आप यूज करते हैं तो यहाँ पर भी एक्टिव रख सकते हैं। मैं प्लग इन पे ऑफ ही कर देता हूँ इसलिए नहीं होगा ये। यहाँ पर ऑन बैटरी एक्टिव रख दीजिए और मैक्सिमम पावर स्टेट, यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप 75 रख दीजिए। 75 रखने से हीटिंग बहुत अच्छा कम होगा, प्रोसेसर का हीटिंग पूरा कम हो जाएगा। 75 रख सकते हैं आप, यहाँ पर रखकर ऐसे रखकर आप अप्लाई अप्लाई कर दीजिए ये चेंजेस अप्लाई। ओके, इसके बाद आप रिस्टार्ट करिए एक बार आपका पीसी। पीसी रिस्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हीटिंग में। यहाँ पर डिफॉल्ट में रहने दूंगा, कैंसिल हो गया। और ये फर्स्ट स्टेप है, और दूसरा स्टेप ये है कि आप क्या करें, आप एक एंटीवायरस इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद स्कैन भी कर लीजिए एक बार, स्कैन फॉर वायरस, फुल क्विक स्कैन। मैं ऑलरेडी स्कैन कर चुका हूँ इसलिए क्विक स्कैन लगाओ सर। आप अब फुल स्कैन ही रखिए। स्कैनिंग होने के बाद आपका वायरस सारा निकल देगा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये दो स्टेप यूज करके और आप फैन कूलिंग पैड करके आप लैपटॉप का अंदर भी क्लीन करें तो ये बहुत ही अच्छा कम हो जाएगा हीटिंग, उतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चेक करते रहना मेरा चैनल नए वीडियोस के लिए। बाय।